हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी क्रिस्पी क्रंची जूसी जलेबी। नॉर्मली जलेबी एक दिन में ही सौगी हो जाती हैं। ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इससे एक हफ्ते तक भी जलेबी क्रंची ही रहेंगी। जलेबी बनाने के लिए एक कप मैदा लेंगे, वजन में ये 150 ग्राम है और इसमें डालेंगे 4 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। ये हमारी जलेबी को बिल्कुल क्रंची रखता है। अब इसमें 4 टेबलस्पून दही डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/4 टीस्पून ऑरेंज रेड कलर डालेंगे, अगर आप चाहें तो येलो भी डाल सकते हैं। सबको मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। इसमें मैंने 150 ml पानी यूज़ किया है। अब बैटर को 15 मिनट के रेस्ट के लिए ढक के रख देंगे और इतनी देर में जलेबी की चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक कप पानी लेंगे और 2 कप चीनी लेंगे। गैस को ऑन कर देंगे, चीनी को पिघलने देंगे। ये देखिए 4 इलायची को मैंने इस तरह से फोल्ड लिया है, ये इसमें डाल देंगे। कुछ केसर के धागे इसमें डाल देंगे। चाशनी हमें एक तार की नहीं बनानी है, बस थोड़ी चिपचिपी जैसी चाशनी ही बनानी है। 3-4 मिनट में ही चाशनी बन जाती है। ये देखिए इसका शहद जैसा टेक्सचर हो गया है। 1.5 टीस्पून इसमें नींबू का जूस डालेंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। चाशनी हमारी बन गई है, इसको ढक के रख देंगे। बैटर का 15 मिनट का रेस्ट हो गया है, एक बार इसको फिर से मिला लेंगे। ये देखिए मेरे पास ये बॉटल है, ऐसे नोजल वाला, इसमें मैं ये बैटर भर के इससे जलेबी बनाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो इस तरह के कोन भी मार्केट में मिल जाते हैं, या फिर आप ये दूध की जो थैली होती है उससे भी इस तरह से कोन बना सकते हैं और उसके अंदर बैटर भर के जलेबी बनाई जा सकती है। बैटर को इसके अंदर भर लूंगी। अब इससे जलेबी तैयार करेंगे। जलेबी फ्राई करने के लिए एक फ्लैट सरफेस का कढ़ाई या पैन ले लें। जलेबी मैं देसी घी में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं। घी या ऑयल जो भी डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है। घी को मीडियम हॉट करेंगे। घी गरम हो गया है, अब इसमें जलेबी डालेंगे। जलेबी को इस तरीके से बंद ज़रूर करना है। धीरे से इनकी साइड बदल लेंगे। ये देखिए ये एकदम करारी हो गई है, इसको निकाल लेंगे। ये देखिए एक प्लेट के ऊपर इस तरह की जाली रख लें, जो हमने चाशनी बनाई थी उस चाशनी में इसको साथ के साथ डालेंगे। चाशनी ना बहुत गर्म होनी चाहिए ना ही बहुत ठंडी होनी चाहिए। ज़्यादा गर्म चाशनी होगी तो उससे जलेबी सौगी हो जाएंगी, और अगर ठंडी चाशनी होगी तो वो जलेबी चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर की चाशनी होनी चाहिए। और फिर इनको 2 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे, उसके बाद इस तरीके से जाली के ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे तो कोई भी जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे आ जाएगी, जलेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं लगेगी। इस तरीके से सारी जलेबियाँ तैयार कर लेंगे। लीजिए बनके तैयार हैं हमारी करारी करारी जलेबी। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।